हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला दिन यार लास्ट दिन वीक का, जो इसके बाद है हमारा कल ऑफ। आज है थर्सडे, आज हम शुरू करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 7:45, हम निकल चुके हैं अपने काम पे। ये आप देख चुके हैं मैं अंदर से अपनी शर्ट पहन के आया हूँ, वो इसलिए यार डेली यही शर्ट पहन रहा हूँ व्लॉग में, तो लोग भी सोचते हैं यार, मगर देखा जाए तो मुझे वही शर्ट डेली पहनी है क्योंकि मेरी वो ऑफिस की शर्ट है और मैं ऑफिस जाता हूँ इस टाइम, तो वही शर्ट पहनना लाजमी है। ठीक है, अभी जो भी नए हो मेरे चैनल पे, जो फर्स्ट टाइम आके वो देख रहे हो, तो भाई आप देखने से पहले और कुछ नहीं है, सब्सक्राइब करके जाओ, घंटा बेल फिर आपकी मर्जी, आप बजाओ नहीं बजाओ, आपको अगर भाई मेरी वीडियो देख रोज देखनी है तो आप घंटा बेल बजा के चले जाओ, तो आपको नोटिफिकेशन एक आ जाएगा भाई मेरी वीडियो आज के टाइम पे आ रही है या आज आ चुकी है, तो आप डायरेक्ट जाके पहले अपने व्यू देख सकते हैं और मुझे अपना व्यू एक व्यू भी भाई बहुत कीमती होता है। आप वीडियो यार पूरी देखा करें यार, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, लाइक कर लीजिए, और अगर आपका दिल चाहे अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है तो भाई शेयर कर लीजिए, अगर आपको कमेंट करने हैं बताइए मुझे क्या करना चाहिए। और ये डेली व्लॉग्स है भाई, ये व्लॉग्स के लिए चैनल है मेरा, कि इसमें मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूँ कि यार आज दुबई में क्या हो रहा है, मेरी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, भाई मैं काम पे जा रहा हूँ उस वक्त क्या हो रहा है, तो ठीक है यही करना है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चलते हैं अपन, ये अभी मैं ड्राइविंग करता जा रहा हूँ, ये अपने लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, मेरे लेफ्ट साइड में सॉरी देरा सिटी सेंटर है, उसको अभी हम क्रॉस करते चल रहे हैं। अभी हमको चलना है JVC एरिया, जहाँ पे हमको एक मार्केट है चौथराम, उधर जाके काम करना है, उसके बाद अपन देखेंगे अपन को कहाँ जाना है। आपको जो करना है वो आप कर लीजिए, मुझे जो करना है मैं वो करता हूँ, उसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग बनाता जाऊँगा। चलो मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये अभी आप देख रहे हैं मैं आया हूँ इधर पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने, यहाँ ये यार इधर एक गड़बड़ हो जाती है, जगह कहाँ मिल गई आपको मैं बता दूँ, जो पेट्रोल है वो महंगा हो गया है, 1.84 था 2.01 हो गया है, 16 फिल्स तकरीबन बढ़ गया है भाई यहाँ पे जो पेट्रोल बढ़ रहा है 60 फिल 70 फिल्स, ये देखा जाए हमारे लिए बहुत होता है कि हम अपनी जो टैंकी है वो हमेशा ऑलमोस्ट फुल करवाते हैं, मगर मैं नहीं करवाता वो दूसरी बात है। और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप दुबई में रहते हैं मास्क क्यों नहीं पहनते, मास्क के ऊपर यहाँ पे बहुत सख्ती है। सही बात बोल रहे हैं भाई आप लोग, यहाँ पे मास्क के लिए बहुत ही सख्ती है, अगर यहाँ पे मास्क ना पहना जाए तो 3,000 धर्म का फाइन है, तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के 1,25,000 बनते हैं, 1,35,000 बन रहे हैं, तो इतना फाइन है अगर देखा जाए तो। मगर मैं जो नहीं पहन रहा हूँ उसकी वजह यह है, आप अगर कार में अलोन है, सिर्फ एक जना है जो सिर्फ गाड़ी चला रहा है, तो उस पर कोई ऐसा इशू नहीं है, वो ना भी पहने तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। 20 धर्म देख रहे हैं, मैं 20 भरवा रहा हूँ क्योंकि यार मैं डेली वाला बंदा हूँ, डेली भरवाता हूँ डेली रखता हूँ, अपन को यार ज़्यादा फुल वाला चक्कर नहीं चाहिए यार, ज़्यादा फुल करते हैं ना, मेरे को लगता है कि यार जब मैं फुल करवा देता हूँ ना तो वो जल्दी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो ये जो है ना डेली भरवाना, इसमें मेरे को लगता है मेरे को फ़ायदा हो रहा है। ये तो हर किसी की एक माइंड थिंकिंग अलग होती है, आपकी अलग होगी मेरी अलग है। हाँ, और मैं क्या बोल रहा था, हाँ मास्क के ऊपर जो है, मास्क के ऊपर 3,000 धर्म का फाइन है, अगर आप ऐसे रोड पे घूम रहे हैं या कहीं जा रहे हैं आपको मास्क नहीं पहना हुआ, 3,000 धर्म का फाइन है, अगर आपको कोई यहाँ का शूरता पकड़े, शूरता मतलब यहाँ की पुलिस वो आपको पकड़ती है, तो आपको 3,000 धर्म का फाइन है। मगर गाड़ी के अंदर एक जना है तो नो फाइन, दो जने हैं तो फिर 3,000 धर्म पर पर्सन को फाइन लगेगा, तो अगर उसको नहीं पहना हुआ, मुझे पहना हुआ जो मेरे सामने बैठा हुआ, उसको नहीं पहना हुआ, मुझे पहना हुआ तो उसको लगेगा 3,000 धर्म, नहीं तो फिर और गाड़ी के ऊपर यहाँ पे बहुत सख्ती है। यहाँ पे एक गाड़ी के ऊपर सिर्फ 3 लोग अलाउड है, 3 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे हम 5 या 4 लोग भी बैठते हैं उसके ऊपर भी बहुत बड़ी सख्त प्रॉब्लम होती है, उस पर भी फाइन है, उसमें देखने में हंसता है एवरी टाइम, मैं आपको बताता हूँ क्यों देखिए हंसता है, हंसता है इसकी वजह से, मेरे कार्ड की हालत देख लीजिए, ये मेरा कार्ड है, सैलरी कार्ड है यार भाई, एक
पुरानी कहानी याद आ गई है मेरे को इस रोड को देख के, मैं आपसे एक शेयर करता हूँ। मैं एक मिनट के लिए इसको थोड़ा वीडियो स्क्रब कर दूँ। ये आप देख रहे हैं बुर्ज खलीफा के, और यार मेरा हाथ तो नहीं आ रहा होगा, ये इस तरफ है। अभी आपको मैंने ये दिखा दिया, अभी मैं आपको कहानी बताऊँगा। जो अभी मैंने आपको दिखाया बुर्ज खलीफा के उस तरफ जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसमें एक बड़ा ही मतलब पंगा हो गया था। हम गए थे, मेरे हिसाब से मुझे याद नहीं है, पक्का श्योर नहीं, 2017 का न्यू ईयर था आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, 2017 था या 16 था या 18 था, कुछ ऐसा ही था, मतलब मेरे हिसाब से 17 था। तो हम इधर गए थे ये न्यू ईयर में, बुर्ज खलीफा आपने देखा, उसके नीचे ही एक बिल्डिंग थी, मेरे हिसाब से इमार वालों का ही कुछ कंस्ट्रक्शन था, ऑलरेडी बन चुका था, ऑलरेडी बना हुआ था, होटल थी, उसमें लोग रह भी रहे थे। न्यू ईयर का टाइम था, 31 दिसंबर का, मेट्रो से जा रहे थे उधर, लिटरली वहाँ पे बहुत बड़ी आग लगी थी, बहुत ही बड़ी आग लगी थी। हमको पता नहीं कहाँ कहाँ से, अभी देखिए मुझे मेरे घर से फ़ोन आया, मेरे ननिहाल रहते हैं इंडिया, वहाँ से मुझे कॉल आई, मेरे घर वालों ने मुझे कॉल की, मेरे दोस्तों ने मैसेज वगैरह किए कि यार वहाँ पे सब खैरियत तो है भाई, इधर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है। उसके बाद भी वो आग लगी थी, मेरे हिसाब से 9:30-10 बजे इतने बजे होंगे, उसके बाद भी लोग आ रहे थे बुर्ज खलीफा, ऐसे नहीं कोई प्रॉब्लम थी, लोग आए थे 11:30-12 तक, सब लोग आ गए थे, 12 बजे से अपना सब कुछ करके निकल गए थे। और वो लिटरली आपको मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो आग लगी थी मेरे हिसाब से 8:30-9 बजे लगी होगी, 11:30-11 बजे तक बिल्कुल वहाँ पे उन्होंने साफ कर दिया था, वहाँ पे फायर वगैरह सब कुछ, वो जो अलार्म वगैरह सिस्टम थे वो उनके बज गए थे, बड़े फास्ट सिस्टम हो गया था उनका, सब कुछ हो गया, फायर ब्रिगेड जो भी थे वो सब आ गए थे उसी टाइम, बिल्कुल जो था एक्शन ले लिया गया था। मेरे हिसाब से मेरे 3-4 फ्लोर पूरे जल चुके थे, कोई नुकसान नहीं हुआ था, इतना मतलब उनका जो कंस्ट्रक्शन का जो नुकसान होता है, बिल्डिंग का नुकसान, मॉडलिंग का नुकसान, वो हुआ, लोगों को किसी को नुकसान नहीं होता। इन्होंने 1-1.5 घंटे में पूरी आग बुझा दी थी, एवरीथिंग इज़ ओके, और नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर इन्होंने वो होटल फिर से बिल्कुल कंस्ट्रक्शन के रेडी कर दी। तो मतलब बड़े फास्ट काम है यहाँ के इस हिसाब से देखा जाए। और हमारा सेम वही पाकिस्तान, हमारा अपना शहर शहदादपुर, जहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ब्रिज बन रही थी एक, जो बिल्कुल स्टेशन के करीब है, आपने देखी होगी, जो शहदादपुर के लोग होंगे जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, शहदादपुर के जो हैं उनको पता होगा, उस बिल्डिंग को बनने में मेरे हिसाब से 2014 से वो बन, 2014 से उनकी बनना शुरू हुई है, 2018 में जाके क्लियर हुई, मतलब 4 साल में सिर्फ इन्होंने क्या बनाया है, 1.5 से 2 किलोमीटर की मेरे हिसाब से बनती है। मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नहीं तो भाई कुछ पंगे वंगे भी हो सकते हैं, कंट्रोवर्सी कुछ भी हो सकती है, अपने ऊपर क्या कंट्रोवर्सी, टोटल मेरे सब्सक्राइबर ही इतने नहीं है, होंगे जब तब बात करेंगे, कर लेंगे 1-2 कंट्रोवर्सी, आ जाएंगे खबरों के अंदर, लाल धन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। हाँ जो, हाँ जी, तो अभी हम करते हैं यहाँ पे अपना आज ब्लॉग एंड, आज ज्यादा कुछ है भी नहीं, और मुझे आज काम भी बहुत है लिटरली, क्योंकि आज थर्सडे और मंडे सैटरडे 3 दिन ज्यादा ही काम होता है हमारा। तो चलिए आज हम अपना व्लॉग का इधर ही एंड कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो और कुछ बातें मुझे मेरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, सब्सक्राइब लाजमी किया करो, ऐसे वीडियो देख लेते हो तो एक सब्सक्राइब करने में क्या है, सिर्फ आपको एक टच ही करना है सब्सक्राइब के ऊपर। घंटा बिल में आपको नहीं बोलूँगा बजाओ, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो घंटा बिल बजा दीजिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। हाँ फिर आप ये भी बोलोगे यार फिर सब्सक्राइब भी क्यों करें, सब्सक्राइब कर दो भाई के सपोर्ट के लिए, बाकी चलो जो आपको सही लगे वो आप कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, आप भाई को सपोर्ट करते रहिएगा और भाई ऐसे ही आपको एंटरटेन करता रहेगा नई वीडियोस के साथ, और कुछ नई वीडियोस भी इन द फ्यूचर लाएगा, कुछ काम है थोड़े इधर से फ्री हो जाए फिर कर लेंगे अपन कोई वीडियो, और किसके साथ कोलैबोरेशन भी कर लेंगे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।